Friends, today our topic is individual psychotherapy. अपना जो टॉपिक चल रहा है साइकोथेरेपी साइकोएनालिसिस, इसके अंदर नेक्स्ट जो थेरेपी है वो आती है इंडिविजुअल साइकोथेरेपी। इंडिविजुअल साइकोथेरेपी का क्या मतलब है? इट इज ब्रिंगिंग अबाउट चेंज इन फीलिंग्स, एटीट्यूड, थिंकिंग एंड बिहेवियर। जो थिंकिंग है, एटीट्यूड है, बिहेवियर के अंदर चेंज लाना, ये फोकस होता है बेसिकली इंडिविजुअल साइकोथेरेपी का। इंडिविजुअल साइकोथेरेपी बिहेवियर में, एटीट्यूड्स में, थिंकिंग में, फीलिंग्स में चेंज ब्रिंग आउट, चेंज लेके आना। देन ये बेसिकली वन टू वन बेसिस की जाती है, मतलब इसमें एक थेरापिस्ट होता है और एक पेशेंट होता है, वन टू वन बेसिस, एक के ऊपर एक, मतलब एक साइकेट्रिस्ट और एक जो पेशेंट है उनके बीच में ये सारा थेरेपी कंडक्ट की जाती है, इसीलिए इसको बोलते हैं इंडिविजुअल साइकोथेरेपी। ये किन किन चीजों के अंदर हेल्प करती है? फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंडिंग देमसेल्फ, खुद को, मतलब पर्सन जो पेशेंट है उसको खुद को समझने के लिए, उसके खुद की फीलिंग्स को समझने के लिए इंडिविजुअल साइकोथेरेपी काम आती है। देन पर्सनल चेंजेस, खुद के अंदर कुछ भी उसको पर्सनल चेंजेस करने हैं उसके लिए भी इंडिविजुअल साइकोथेरेपी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन इम्प्रूव IPR, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है इंडिविजुअल साइकोथेरेपी। देन गेट रिलीफ फ्रॉम इमोशनल पेन, इमोशनल पेन से रिलीफ पाने के लिए, इमोशनल पेन से रिलीफ पाने के लिए इंडिविजुअल साइकोथेरेपी की मदद ली जाती है बाय द पेशेंट। देन इंडिकेशन ऑफ द इंडिविजुअल साइकोथेरेपी, क्या क्या इंडिकेशन है, किन किन के अंदर इंडिविजुअल, किन किन डिसऑर्डर्स के अंदर इंडिविजुअल साइकोथेरेपी दी जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर, देन ड्रग अब्यूज, देन मैरिटल डिसहार्मोनी, इन कुछ फैक्टर्स के अंदर इंडिविजुअल साइकोथेरेपी मोस्टली दी जाती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर, जो भी स्ट्रेस है, स्ट्रेस रिलेटेड जो भी डिसऑर्डर है, इनके अंदर इंडिविजुअल साइकोथेरेपी काफी ज्यादा काम में आती है। देन ड्रग अब्यूज, देन लाइक एल्कोहल, एल्कोहल विथड्रॉल, इन सब के अंदर भी ये जो इंडिविजुअल साइकोथेरेपी है काफी काम में आती है। देन मैरिटल डिसहार्मोनी, मैरिटल डिसहार्मोनी, मैरिटल जो भी कॉन्फ्लिक्ट है, किसी का डाइवोर्स हुआ है या घर में कुछ तनाव की स्थिति चल रही है हस्बैंड वाइफ के बीच में, तो भी इंडिविजुअल साइकोथेरेपी उन चीजों को कोप अप करने में बहुत ज्यादा हेल्प हो जाए। देन वी आर गोइंग टू डिस्कस अप्रोचेज ऑफ द इंडिविजुअल साइकोथेरेपी, अप्रोचेज ऑफ द इंडिविजुअल साइकोथेरेपी। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट इज साइकोडायनामिक थेरेपी, साइकोडायनामिक थ्रू थेरेपी अप्रोच है इसकी इंडिविजुअल साइकोथेरेपी की। इस फर्स्ट अप्रोच के अंदर अपन देखते हैं साइकोडायनामिक थेरेपी के अंदर ऐसा अजम्पशन माना जाता है कि अगर अर्ली रिलेशनशिप एंड एक्सपीरियंस के अंदर जो पेशेंट का अर्ली रिलेशनशिप है और एक्सपीरियंस के अंदर, अगर पेशेंट के अंदर इनसाइट प्रेजेंट है, इनसाइट प्रेजेंट है, तो वो अपनी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और वो बहुत जल्दी रिकवर हो जाता है, रिजॉल्व हो जाता है। ये अजम्पशन है, मतलब एक टेंटेटिव प्रिडिक्शन, साइकोडायनामिक थ्योरी। देन सेकंड अपन बात करते हैं ह्यूमनिस्टिक, ह्यूमनिस्टिक थ्योरी। ह्यूमनिस्टिक थ्योरी क्या कहती है? ह्यूमनिस्टिक थ्योरी कहती है पेशेंट व्यू ऑफ वर्ल्ड रियलाइज द
फुल पोटेंशियली बाय द थेरेपिस्ट पॉजिटिव रिगार्ड सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ देयर एक्सप्लोर ओन फीलिंग्स एंड चॉइसेस। जो ये ह्यूमनिस्टिक थेरेपी है इसके अंदर बेसिकली पेशेंट को जो रिगार्ड दिया जाता है बाय द थेरेपिस्ट, सो उसके अंदर एक वर्थ की फीलिंग्स आए, उसके वजूद की उसके अंदर फीलिंग आए, ताकि वो उस फीलिंग के थ्रू अपनी जो फीलिंग्स है उनको बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर कर सके और जो उसकी रिलेटेड टू डिजीज कंडीशन है उसके इम्प्रूवमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। तो इसी को बोलते हैं ह्यूमनिस्टिक थेरेपी। देर अपन बात करते हैं बिहेवियर थेरेपी। बिहेवियर थेरेपी मीन्स सिंपली पॉजिटिव एंड नेगेटिव री इन्फोर्समेंट किया जाता है बिहेवियर थेरेपी के अंदर। पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट एंड नेगेटिव री इन्फोर्समेंट मीन्स फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे ने कोई अच्छा काम किया है तो उसको चॉकलेट दे देना, दिस इज पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट। अगर बच्चे ने कोई गलत काम किया है तो उसको डांटना, दिस इज नेगेटिव री इन्फोर्समेंट। तो ये भी ये किसका पार्ट है? बिहेवियर थेरेपी का। अपना किसके अंदर चल रहा है? अप्रोचेज ऑफ द इंडिविजुअल साइकोथेरेपी। इंडिविजुअल साइकोथेरेपी की अप्रोचेज के अंदर चल रहे हैं। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है इसी के अंदर कॉग्निटिव थेरेपी। द वर्ड कॉग्निटिव थेरेपी, व्हाट इज कॉग्निटिव एंड व्हाट इज कॉग्निशन। कॉग्निशन का मतलब क्या है? कॉग्निशन कॉग्निशन वर्ड का मीनिंग है कि अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज जो गेन किया जाता है उस पूरे प्रोसेस को एक पर्सन के थ्रू, नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग जो डेवलप की जाती है उस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं कॉग्निशन। उस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं कॉग्निशन, अंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज। जो नॉलेज है और जो अंडरस्टैंडिंग है उनको डेवलप करने का जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं कॉग्निशन, और इसी कॉग्निशन से आता है कॉग्निटिव थेरेपी। इसी से आता है कॉग्निटिव थेरेपी। अब अपन बात करते हैं कॉग्निटिव थेरेपी के बारे में। बेसिकली कॉग्निटिव थेरेपी का अर्थ है टू चेंज इन करंट वे ऑफ थिंकिंग ऑफ देमसेल्फ। जो थिंकिंग है पेशेंट की उसका जो प्रोसेस है, फिनोमिना है, उसको कंप्लीटली चेंज करना बाय द कॉग्निटिव थेरेपी। इसके लिए अपन मोस्टली तीन चीजों पे ध्यान देते हैं। फर्स्ट इज थॉट, सेकेंड वन इज इमोशन, एंड थर्ड वन इज बिहेवियर। जो कॉग्निटिव थेरेपी के अंदर बेसिकली तीन चीजों के ऊपर ध्यान दिया जाता है, थॉट, इमोशन एंड बिहेवियर। थॉट, जो थॉट है, थॉट जो विचार है, जो आइडियाज है, जो ब्रेन के अंदर आते हैं उन्हीं से इमोशन बनते हैं और वो इमोशंस हैं वो बिहेवियर के अंदर कन्वर्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल थॉट, जैसे किसी के पीछे कुत्ता पड़ गया काटने के लिए, तो उसके अंदर एक थॉट आया, आइडिया आया, थॉट ये आया कि ये थॉट आने से कुत्ता पीछे पड़ गया, तो उसके अंदर इमोशन आया कि उसको डर लगा। डर क्या है? इमोशन। और ये डर इमोशन आने से उसके बिहेवियर में
चेंज हुआ, बिहेवियर में क्या हुआ चेंज, उसके अंदर एंजाइटी है जो डेवलप हो गई, उसके अंदर घबराहट है वो डेवलप हो गई। तो बेसिकली ये एक प्रोसेस है, थॉट देन इमोशन देन बिहेवियर। तो इन तीनों के अंदर जो सारा का सारा प्रोसेस होता है, इसी को बोलते हैं अपन कॉग्निटिव थेरेपी। कॉग्निशन वर्ड का मतलब समझ लिया, कॉग्निशन ए प्रोसेस बाय चेंज इन नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। देन वी आर गोइंग टू डिस्कस टेक्निक्स ऑफ द कॉग्निटिव थेरेपी, टेक्निक्स ऑफ द कॉग्निटिव थेरेपी, वेरियस काइंड ऑफ टेक्निक्स ऑफ कॉग्निटिव थेरेपी आर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टेकिंग स्टॉपिंग इंट्रूसिव कॉग्निशन, स्टॉपिंग इंट्रूसिव कॉग्निशन। Stopping intrusive cognition. Stopping intrusive cognition. इसका सिंपल सा मीनिंग है, जो भी थॉट्स का इंट्रूजन हो रहा है उन थॉट्स को स्टॉप करना। This technique is called stopping intrusive cognition. For example, अपन देखते हैं, अगर किसी के ये बेसिकली देखा जाता है ओसीडी वाले पेशेंट्स के अंदर, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर वाले पेशेंट के अंदर, बेसिकली जो थॉट्स उनके अंदर आ रहे हैं उन थॉट्स को, थॉट हो सकते हैं घबराहट के, एंजाइटी के, किसी चीज से रिलेटेड, और उन थॉट के कारण, वो जो थॉट आ रहा है उनके कारण एंजाइटी हो रही है, तो वहां पे अपने को ये टेक्निक लगानी है, स्टॉपिंग इंट्रूसिव कॉग्निशन। स्टॉपिंग इंट्रूसिव कॉग्निशन के अंदर अपन जो थॉट आ रहे हैं उनको स्टॉप करेंगे, कैसे, कि जो पर्सन है, जो पेशेंट है, उसका ध्यान एक टॉपिक से हटाकर दूसरे टॉपिक पर ले जाएंगे, उसको एक जगह से हटा के दूसरी चीज के ऊपर, दूसरे थॉट के ऊपर बिजी कर देंगे। लाइक उसको बोल देंगे उल्टी गिनती गिनना आप शुरू कर दो, या किसी की जो कुछ बोल रहा है उसको आप कॉपी करना शुरू कर दो, तो आपने जो माइंड है सामने वाले का डाइवर्ट कर दिया फ्रॉम वन टॉपिक टू अनदर टॉपिक। दिस टेक्निक इज नोन एज स्टॉपिंग इंट्रूसिव कॉग्निशन। देन सेकेंड टेक्निक इज काउंटर बैलेंस फॉल्टी कॉग्निशन, काउंटर बैलेंस फॉल्टी कॉग्निशन। इसके अंदर देखते हैं काउंटर बैलेंस फॉल्टी कॉग्निशन। इस टेक्निक को समझने के लिए अपन एक एग्जांपल काम में लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक पर्सन है जिसके चेस्ट पेन हो रहा है, और वो उस चेस्ट पेन के कारण वो सोच रहा है ये जो पेन है हार्ट का पेन है, हार्ट से रिलेटेड कोई ना कोई मुझे प्रॉब्लम हो चुकी है, हार्ट डिजीज मुझे हो गई है। तो उसका ध्यान उसको ये बताना कि आपको जो चेस्ट पेन हो रहा है ये एक मस्कुलर पेन है, ये चेस्ट पेन एक मस्कुलर पेन है, ना कि किसी हार्ट डिजीज के कारण हो रहा है। तो इसी टेक्निक को बोलते हैं काउंटर बैलेंस फॉल्टी कॉग्निशन। तो इसी के थ्रू अपन पेशेंट की जो एंजाइटी है उसको रिलीव कर पाते हैं काफी हद तक, इसी को बोलते हैं काउंटर बैलेंस फॉल्टी कॉग्निशन। देन एल्टरिंग कॉग्निशन, नाउ सेकेंड सॉरी थर्ड टेक्निक इज एल्टरिंग
altering cognition, help to identify maladaptive cognition. उसको बताना कि जो आप सोच रहे हो, जो आपका थॉट प्रोसेस है, वो आपने गलत अडॉप्ट कर रखा है, आप इसको सही करो. इसी चीज को बोलते हैं अल्टरिंग कॉग्निशन टेक्निक ऑफ दी कॉग्निटिव थेरेपी. नाउ द इसी के अंदर अपन देखते हैं वेरियस काइंड ऑफ टेक्निक्स इन अल्टरिंग कॉग्निशन के अंदर. फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं faulty interference situation or event. faulty interference का सिंपल सा मीनिंग होता है, अगर इसको अपन एक एग्जांपल से समझें कि लाइक एक पेशेंट है जिसने अपने फ्रेंड को एक लेटर लिखा, तो उस जो सामने वाला जो फ्रेंड है उस लेटर का उसने कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया, उसको रेस्पॉन्ड नहीं किया. कोई भी कारण हो सकता है, अगर वो बिजी होगा या कुछ उसे कोई और काम होगा या उसे लेटर वो नहीं मिला होगा, उसने नहीं रेस्पॉन्ड किया, तो उसके प्रति जो नेगेटिव थिंकिंग है पेशेंट के अंदर आ जाएगी. वो सोचेगा जो मेरा दोस्त है वो मेरे बारे में गलत सोचता है, वो मेरे लिए वफादार नहीं है, और जो मैंने लेटर भेजा था वो उसको पसंद नहीं आया होगा. तो इसी को बोलते हैं फॉल्टी इंटरफेरेंस. अपन किसी के बारे में पहले से ये सोच लेते हैं कि इसने ऐसा ऐसा मेरे बारे में सोचा होगा, परंतु वास्तव स्थिति ऐसी नहीं होती है. देन सेकेंड पॉइंट इज ओवर जनरलाइजेशन. किसी भी चीज को जनरलाइज कर देना. फॉर एग्जाम्पल कैसे, एक क्लास है, उस क्लास के अंदर कुछ बच्चों के नंबर कम आए हैं, कुछ बच्चे पढ़ने के अंदर काफी ज्यादा पुअर है, बट पूरी क्लास के ऊपर यही चीज थोप दी जाती है कि ऑल स्टूडेंट्स आर वीक इन स्टडी. तो इसी को बोलते हैं ओवर जनरलाइजेशन. मतलब एक छोटे से ग्रुप का रिजल्ट पूरे के पूरे बड़े एक पार्ट के ऊपर, हिस्से के ऊपर थोप देना, इसी को बोलते हैं ओवर जनरलाइजेशन. देन नेक्स्ट इज मैग्निफिसेंट एंड मिनिमाइजेशन. नेक्स्ट इज मैग्निफिकेशन. थर्ड वन इज मैग्निफिकेशन. मैग्निफिकेशन एंड मिनिमाइजेशन. मैग्निफिकेशन का मतलब होता है बढ़ा चढ़ा कर बताना, मिनिमाइजेशन का मतलब होता है बहुत ही किसी चीज को छोटा कर देना. तो यहां पे इस टेक्निक का ये अर्थ है, इसका ये अर्थ है मैग्निफिकेशन. अगर किसी पेशेंट ने या किसी व्यक्ति ने, पेशेंट ऐसा सोचता है, पेशेंट के ऐसा थिंकिंग प्रोसेस होता है कि अगर किसी पर्सन ने कोई छोटी सी गलती की हो तो उसको काफी ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर वो बताएगा, और मिनिमाइजेशन के अंदर उसने काफी ज्यादा बहुत अच्छा काम किया हो, बहुत बढ़िया काम किया हो, अच्छा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम किया हो, तो उसको वो काफी ज्यादा मिनिमाइज कर देगा, उसके बारे में ज्यादा बातचीत नहीं करेगा. तो एरर को मैक्सिमाइज करना और
चीज को मिनिमाइज कर देना ये भी एक फैक्टर है इसके अंदर अपने अल्टरिंग कॉग्निशन के अंदर। देन अनरियलिस्टिक अजम्पशन, अनरियलिस्टिक अजम्पशन लास्ट पॉइंट है, अनरियलिस्टिक अन फोर्थ वन इज अनरियलिस्टिक अनरियलिस्टिक अजम्पशन, अनरियलिस्टिक अजम्पशन। अजम्पशन मीन टेंटेटिव, ए प्रिडिक्शन, एक प्रिडिक्शन अनुमान होता है। अनरियलिस्टिक जिसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं होता है। एक स्टूडेंट की थिंक, फॉर एग्जांपल अगर कोई पेशेंट है, वो स्टूडेंट है, तो उसकी थिंकिंग क्या होगी? अनरियलिस्टिक होगी। लाइक वो ऐसा सोचेगा मैं खुश, मेरे अंदर हैप्पीनेस तभी रहेगी, मेरे अंदर हैप्पीनेस तभी रहेगी जब मैं क्लास के अंदर फर्स्ट रैंक आऊंगा और हर बार आऊंगा। क्लास के अंदर हर बार फर्स्ट रैंक आने से ही उसको हैप्पीनेस मिलेगी। ये एक अनरियलिस्टिक अजम्पशन है। अनरियलिस्टिक अजम्पशन मतलब एक हर बार क्लास में टॉप आना, फर्स्ट आना मे भी पॉसिबल नहीं होता। अगर सेकंड भी थर्ड भी आ जाता है तो कोई ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। तो हैप्पीनेस अपनी रिलेटेड टू रैंक नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा अपने को अनरियलिस्टिक नहीं होना चाहिए। तो ये पेशेंट के अंदर काफ़ी सारे फीचर्स हैं, लाइक फॉल्टी इंटरफेरेंस, ओवर जनरलाइजेशन, मैग्निफिकेशन, मिनिमाइजेशन, अनरियलिस्टिक अजम्पशन, ये काफ़ी सारी चीज़ें देखी जाती हैं। तो आज अपना टॉपिक था इंडिविजुअल साइकोथेरेपी। इंडिविजुअल साइकोथेरेपी कैसे दी जाती है, किन किन को दी जाती है, क्या क्या इसके इंडिकेशन है, क्या क्या इसकी अप्रोच है। नेक्स्ट अपना टॉपिक था कॉग्निटिव थेरेपी। कॉग्निटिव थेरेपी के अंदर जो थॉट है, इमोशन है, बिहेवियर है, उनको किन किन टेक्निक्स के द्वारा सही किया जा सकता है, लाइक साइकोडायनामिक थेरेपी एक्सेट्रा। तो इन टेक्निक के बारे में अपन ने डिस्कस किया। तो आज का टॉपिक अपना यहीं पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अपन डिफरेंट जो थेरेपी है उनको नेक्स्ट अपना टॉपिक लेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।